सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार के त्रिजोल चंदा इलाय महाभिगवाहिने
इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम प्रभा मृगपते स्कंदेचना कन्या शोचंते
व्याप्तं सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारीश्वरोपया सेवकाले महामारी सेवसिष्ठे भवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले दिनां सेव लक्ष्मीभृत्ये प्रदाग्रे सेवाभावे तदा लक्ष्मीभिराचायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पजोगगन्धादिवेत्तद ददाति वित्तं पुत्रा च पतिं धर्मे गतिं च वा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमत्तम येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः च भवेत् नाकवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं नारहस्यकं नाशोकं नाभिधानं च नाशनदभाषणम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं भवेत् अधिगोयतनं देवी देवानामभिदोलनं गोमणीयं प्रयत्नेन तयोनिर्वपार्वते पारणं मोहनवशं सम्बनचातनादिकं पारमात्रेण संसिद्य कुञ्जिकास्वत्तमत्तम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ॐ ग्लौं हौं क्लीं जौं सः ज्वाल 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 पज्ज्वल पज्ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ज्वाल हौं सौं लक्ष्यौं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केतुहारिण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते जुम्भहन्ते च निजुम्भासुरघातने जाग्रतन्वि महादेवि जपं सिद्धिं करोष्वमे ऐकारि सिद्धिरूपाय ह्रीकारि प्रतिपालिका क्लीकारि कामरूपिण्य निजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डराति च जयकारि वरदायने विश्वेदामनानित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे दाधेन्धोर्जटे पत्नि वां मे भोवागरेश्वरे क्रां क्लीं क्रों कालिका देवे शुभं कर ओंकार रूपिण्ये जं 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 भनादने भ्रां ह्रीं भ्रोमरे मध्ये भवाने च नमो नमः अङ्कं चण्टं तं पयं शं बिन्दुं ऐं विहङ्क्षं द्विराग्रं द्विराग्रम् त्रोटय त्रोटय देतं वरकरुत्साह पां भीं पों पार्वती पूर्णां खां खीं क्रों कैचरि ददा स्वां श्रीं स्वां सप्तयति दव्यां मन्त्रसिद्धिं परश्रमे इरन्दो कुञ्जिका स्तोत्र मन्त्रजागर्ति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितरक्षपालने यस्तु कुञ्जिकया देवी येनां सप्तयति पदे न तस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनाय श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवंश कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपोद्धाराष्टकं
नमस्ते चरण्यञ्जिवे सारुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके वेश्यरूपे नमस्ते जगदान्ध्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि प्राणि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साये जगे अनाथाच्चदिराज्यदृजनाथरस्य द्वयाताच्चदेताच्च वज्रस्वयन्त त्वमेकागते देविनिस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि प्राणि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शास्त्रमध्ये जले सङ्कटे राजके प्रवासे त्वमेकागतिर्देविनिस्तारेति नमस्ते जगत्तारिणि साये दुर्गे अपारे विपत्सागरे वर्षतौ देहभाजम् त्वमेकागतिर्देविनिस्तारलोकात् नमस्ते जगत्तारिणि साये दुर्गे नमश्चण्डगजण्डदर्दण्डलीला समलकाण्डिताकण्डलाशेषधत्रो त्वमेकागतिर्विघ्नद्वन्द्वोऽस्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि साये दुर्गे त्वमेका सदा राजिता सच्च वाणि जनेकाखिलाक्रोदनाक्रोदनिष्ठ निरापिङ्गलात्वनाचनाडि नमस्ते जगत्तारिणि साये दुर्गे नमो देवि दुर्गे जिवे विमनाले सदा सिद्धि प्रदाते करोते विभवते सदा कालराते करोते नमस्ते जगत्तारिणि साये दुर्गे शरणमधि चुराणां श्रेष्ठ विद्यानानां वणिलनुजबलानां व्यारिवेपेरितानां निर्मदिग्रगदानां दस्यु विश्वाजितानां त्वमधि शरणमेका देवि दुर्गे प्रथेव श्रीभगवती स्तोत्र जय भगवती देवि नमो वरदे जय पाप Jaya Pala Kabo Jeta Raksha
श्री सरस्वती वंदना रवि जगदम्बे चरे या
अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योता बाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा बाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। और ये अवश्य में पूर्ण होती हैं वर्ण भक्ति भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्र चित्ती हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मुझको जो जिस प्रकार भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। एवं अनन्याश्च चिंतयन्तु माम ये जनाः भयुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्तजन
अनन्य भाव से अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करते हैं उनका योग खेम भी मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण गीता उपदेश दे रहे हैं अर्थात जैसी जैसी मनोकामना भक्ति अन्नमाता के दरबार में लेकर गाते हैं वे वर्ष में पूर्ण होती हैं वर्ण उनकी भक्ति में श्रद्धा विश्वास एवं एकाग्र चित्ति हो। देव्या जजा तदम जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका मखल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नतासु भेदातु शुभानि साना। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है समस्त देवताओं और लक्ष्मी पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्यापहामतु भगवान अनंतो ब्रह्मा हरचराई भक्तु बलम बलम च सा चंडिकाखल जगत परिपालनाय नाशा शाशु विस्मतिम करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी समर्थ नहीं है वे भक्ति चंडिका संपूर्ण रथ का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। या श्री स्वयं सुकृत राम भवनेश लक्ष्मी पापात्म नाम के श्याम हृदय बुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन पवस्त लज्जा ताम ताम नताश परिपाल देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से पापी जहाँ दृढ़ता रूप से शुद्ध अंधाकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं उन आप भक्ति दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं सब देवताओं पर भी जब कोई संकट का आलान पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटी ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर कर दी है। प्राचीन काल में देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के प्रजापति थे जो तो देवताओं का कार्य करने में अति कुशल थे परंतु किसी कारणवश वो इंद्र से द्वेष रखते थे अतः उन्होंने तीन सिरों से युक्त एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने तृष्णा रखा और इंद्र का वध करने के लिए उसको तपस्या करने का परामर्श दिया। पुत्र तृष्णा जिनके तीन सिर थे वो एक मुख से वेदाध्ययन करता था दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था और संयम पूर्वक निराहार रहते हुए ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा जिससे इंद्र का सिंहासन डोल गया और इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा परंतु जब वो इसमें सफल नहीं हो पाई तो स्वयं इंद्र भगवान ने आकर के अपने तीव्रगामी आजोद वज्र द्वारा उसका तृष्णा का वध कर दिया जिससे पिता बड़े दुखी हुए और उन्होंने पुनः अथर्वेद के होमों जो मंत्रों द्वारा होम करके एक और पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम उन्होंने वित्तासुर रखा। वित्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया इससे पिता यद्यपि प्रसन्न हो गए परंतु उन्होंने और शक्ति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए पुत्र वित्तासुर को परामर्श दिया और वित्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना करके इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया अर्थात न वो दिन में मर सकता है न रात में मर सकता है न अस्त्र न शस्त्र से और इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवगण शंकर तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार जो उस पर वहां पर उसका शासन हो गया है वित्तासुर का शासन हो गया है। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ना वो दिन में मर सकता है ना रात में ना अस्त्र ना शस्त्र से इसलिए उसको शल कपट द्वारा ही मारा जा सकता है और दूसरा हमको कि उसकी बुद्धि मोहित हो हमें दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। स्वयं इंद्र ने वित्तासुर के साथ मैत्री धारण कर ली कभी वो नंदन वन में विहार करते हैं कभी समुद्र के किनारे विहार करते हैं और एक दिन संध्या का यही समय था जब दोनों समुद्र के किनारे विहार कर रहे थे तो इंद्र के मन में आया कि ये संध्या का समय ना दिन है ना रात है इसी समय इसका वध किया जा सकता है परंतु ना अस्त्र से मर सकता है ना शस्त्र से इसलिए उन्होंने
अपने वज्र को समुद्र के फेर से आलेपित कर दिया। स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से उसमें प्रविष्ट हो गए और वो वज्र जब पित्तासुर फेंका उसकी मृत्यु हो गई। तब पिता अपने दूसरे पुत्र की मृत्यु पर बड़े दुखी हुए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वो मानसरोवर में कमल के नाल में छुप करके रहने लगी। उधर स्वर्ग में इंद्र के ना होने से अराजकता फैल गई, स्वर्ग भयभीत शून्य हो गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर के राजर्षि नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। यद्यपि दूसरा यह राजा नहुष धर्मात्मा था, परंतु स्वर्ग की राजसी वृत्ति के कारण वो शची इंद्राणी पर विषासक्त हो गया। उस समय शची ने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। गुरु जी ने उसको भी दुर्गा माता जी की आराधना करने का परामर्श दिया। शची पहले ही अपने पति के वियोग में दुखी थी, जब उसने देखा कि दूसरा राजा मुझ पर विषासक्त है तो वो गुरु जी की शरण में गई। गुरु ने उसको दुर्गा माता की आराधना करने का परामर्श दिया और उसने माता जी की आराधना की। माता जी उसके सामने प्रकट हुई और उन्होंने अपनी एक दूती के साथ दूती को साथ भेज करके इंद्राणी को मानसरोवर में पति के दर्शन करवाए। शची ने अपनी सारी विपत्ति से इंद्र को अवगत कराया। उस समय इंद्र ने परामर्श देते हुए शची को कहा कि इंद्राणी, मैं तुझे युक्ति बता रहा हूँ, तू नहुष के पास एकांत में जाना और उससे कहना कि जिस प्रकार भगवान विष्णु शेष शाक की शैया पर विराजमान रहते हैं, स्वयं शंकर भगवान बैल की सवारी करते हैं, इसी प्रकार आप भी एक ऐसे विलक्षण वाहन पर सवार होकर मुझ पर मेरे पास आइए जिसका जो वाहन है वो सप्तऋषि कर रहे हूँ, राजऋषि कर रहे हूँ। उसकी बुद्धि को माता जी ने मोहित कर दिया था क्योंकि देवगण वीरपूर्व माता की आराधना कर रहे थे। उसने देव जो सप्तऋषियों को पालकिया वहन करने में लगा दिया, स्वयं उसमें बैठ गया। जहां था कि अगस्त ऋषि के सिर को उसने पैर से छुआ और सर्प सर्प कहा, उस समय अगस्त ऋषि ने उसको सर्प होने का श्राप दे दिया। वो राज्यपाल से च्युत हो गया और इंद्र को फलस्वरूप पुनः स्वर्ग की प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं स्वयं देवता भी आप घोर संकट पड़ जाते हैं। जब वो इन्हीं दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सभी शक्तियों से संपन्न होते हुए जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं हम भक्तों क्यों नहीं करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, विशेष रूप से इस कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है। शास्त्रकारों ने पूर्व वर्णन कर दिया है कि कलो ही चंडी विनायकु, कली काल में दुर्गा माता चंडी तथा गणपति जी का प्रताप होगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि सत्य युग में भगवान विष्णु, त्रेता में राम जी, द्वापर में भक्तों ने कृष्ण जी की आराधना की, इसी प्रकार जो भक्तजन इस कली काल में गणपति की आराधना करके दुर्गा माता चंडी की आराधना करेंगे उनकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं है कि हमें अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए, परंतु गणपति तथा दुर्गा माता की आराधना करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तभी आप देखते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिवस पर दक्षिण भारत में करोड़ों की मूर्तियां गणपति महाराज की बना करके आभूषणों से अलंकृत करके जो समुद्र में प्रवाहित की जाती हैं, और हमारे जहां उत्तर भारत में दुर्गा पूजा प्रचलित है, हिमाचल में नौ देवी हैं, और जहां जम्मू कश्मीर में के डुग्गर प्रदेश में दुर्गा वैष्णो माता जी इस दिव्य गुफा में संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं, और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे काली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। जिस प्रकार वेदों का सार गायत्री मंत्र है, इसी प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का सार ये निवारण मंत्र है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभी प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा ये विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हो और आपकी गृहस्थी सुचारू रूप से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता भेट में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर वेण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शरणवली जय बोल सच्चे दरबार की जय। कट दी हमें सही जदा सदित दुख रही कट दी हमें सही जदा किस जादू मिलते पुकार से
करते हैं किसी का तो मिल के पुकार सुन के पुकार सुई भी ताया बदार सुई देते हैं किसी का तो मिल के पुकार सी सुन के पुकार सुई भी ताया बदार सुई देते हैं किसी का तो मिल के पुकार सुन के पुकार सुई भी ताया बदार सुई मेरे उते दया करनी क्यों मैं ये युक्त गई अस्ती हमें शहीद दाता ने तड़प रे कटनी हमें शायद जुदा सदे तो दुख रे खोल के की हाल दस जग दे जाल दा मावा बिन पुत्र कोई ना संभाल दा खोल के की हाल दस जग दे जाल दा मावा बिन पुत्र कोई ना संभाल दा खोल के की हाल दस जग दे जाल दा मावा बिन पुत्र कोई ना संभाल दा खोल के की हाल दस जग दे जाल मामा भी न पुत्रान कोई न संभालदा असबाल बेल मेरी क्यों मैं सुख गई कटदी हमेशा ये जुदा सदे दुख करे कटदी हमेशा ये जुदा सदे दुख करे चमन नमन तेरे दर्शनान लोजदा आया मती में बोल तेरे एहो पे आसुरदा चमन नमन तेरे दर्शनान चमन नमन तेरे दर्शनान लोचदा आया मकी में खोल तेरे एहो पे असोचदा चमन नमन तेरे दर्शनान लोचदा आया मकी में खोल तेरे एहो पे असोचदा विष ते विकारा विच अकल च रुक गई कटदी हमेशा ही जदा सदे दुख रे कटदी हमेशा ही जदा सदे दुख रे कटदी हमेशा ही जदा सदे कटदी हमेशा ये जुदा सदे और मेरी बारी कानू में ये पुपा भी चलुक कटदी हमेशा ही जुदा सदे जय कर मेरी शेरावली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की भावना की भावना की भूखी है मां भावना की भूखी है मां और भावना ही एक सार है भावना की भूखी है मां और भावना ही एक सार है भावना भावना की भूखी है
भावना की भूखी है माँ
तेरे तारे आना है हर साल मैया तेरे तारे आना है ओ
ना मैं दीदार पौना है तेरी कोई तमन्ना मुझे मोर बनाए तेरी चौखट उत्ते आके तेरी चौखट उत्ते आके तनु पाचा लावागे कोई लोड तली ते मंगांगे ये तो शुक्र मनावांगे मुझे लोड तली ते मंगांगे ये तो शुक्र असी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर ते कोई लोड़ पई ते मंगांगे ते शुक्र मनावांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे ते शुक्र मनावांगे ओ तेरे ही सहारे मैया नहीं आए मेरी तेरे ही सहारे मैया नहीं तेरे ही सहारे मैया नहीं आए मेरी तेरे ही सहारे मैया नहीं आए मेरी ओ दुनिया है कहती ताइयो नहीं आए तेरी ओ दुनिया है कहती ताइयो नहीं आए तेरी जे मां टुकड़ा वे सागर चो मां टुकड़ा वे सागर चो दस किस्ते जावागे कोई लोड़ पई ते मंगांगे ये ते शुक्र मना तेरे कोल मंगना मत थुई ते लैना है तेरे कोल मंगना ते थुई ते लैना है आंदे जांदे बच्चिया ने तैनू ही ते कहना है आंदे जांदे बच्चिया ने तैनू ही ते कहना है आंदे जांदे बच्चिया ने तैनू ही ते कहना है आंदे जांदे बच्चिया ने तैनू ही ते कहना है ओ भैया शेरा वाली भैया शेरा वाली मैं तेरी नजर उतारा पई ते मंगांगे हे ते शुक्र मनावांगे मुझे लोड़ पई ते मंगांगे हे ते शुक्र मनावांगे असी कल भी अज भी कल भी असी कल भी अज भी कल भी मैं तेरे दर ते आवांगे कोई लोड़ पई ते मंगांगे हे ते शुक्र मनावांगे मनावांगे ओ शेरा वाली मैया तेरी शान निरालिए ओ शेरा वाली मैया तेरी शान निरालिए ओ जोता वाली मैया तेरी शान निरालिए ओ जोता वाली मैया तेरी शान निरालिए ओ बच्चियां दी मैया रानी कर रखवालिए ओ बच्चियां दी मैया रानी कर रखवालिए ओ भगतां दी मैया रानी कर रखवालिए ओ भगतां दी मैया रानी कर रखवालिए असी तेरे द्वारे मैया असी तेरे द्वारे मैया असी तेरे द्वारे मैया असी तेरे द्वारे मैया सच सगड़ मनावांगे जे मोड़ पई ते मंगांगे ये ते शुक्र मनावांगे असी कल भी अज भी कल भी तेरे दर ते आवांगे ये लोड़ पई ते मंगांगे ये ते शुक्र मनावांगे ये लोड़ पई ते मंगांगे ये ते शुक्र मनावांगे ये लोड़ पई ते मंगांगे ये ते शुक्र मनावांगे ये लोड़ पई जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय ओम बंधुक कांचन निभम रुचिराख्य माला
कुशोश वरदाम निज बाहु दंडे सिद्धान बिंदु सगला भरणं त्रिनेत्र वरधाम निकेश मणिशं बपुराक्ष्यामि सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्ददान पुनर्ब्रह्मानो वसुरीत यज्ञे दितेन तन्नम वर्धयस्य सत्याः सन्तु रजमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सम्बत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय करा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी की आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पर सभी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौर नैया जय Oh, my God.
सच्चे दरबार की जय। क्षमा करो अपराध चरण माया, क्षमा करो अपराध शरण मुझको न सुहाते, राजकुमार मुझको गाते।
वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, फिर पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, जल में बोलो जय माता दी, आहे बिला जय माता दी, संध्या बिला जय माता दी, आरती बिला जय माता दी, आप बुलानी जय माता दी, कष्ट बुलानी जय माता दी, फेरा करनी जय माता दी, जय माता दी, घरे को जाने जय माता दी, चोराया जय माता दी, माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही मे परमम सुखम, देही मे परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही, यशो देही दिशो जही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। कल्याण मयान कर तो सड़ गए जो चना जा
माता ने ऐसे ही आपको जीवन में भी चार्ज करके रख पूरे ऐसे फुल तंदुरुस्ती के साथ यही आशीर्वाद है माता रानी आप सबको कि आप ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सबको अपने दरबार में इसी तरह जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय।